नमस्ते दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई का कुनाफा। ये मेरे पास कुनाफा वाली सेवई है, इनको हम महीन कर लेंगे। एक गिलास दूध चाहिए हमको, एक गिलास पानी चाशनी बनाने के लिए, एक कटोरी चीनी, आधी कटोरी घी, अरारोट, इससे हम क्रीम बनाएंगे। खाने वाला कलर रेड कलर मैंने यूज किया है। इसको हम ओवन में बनाएंगे। तो मेरे पास केक टीन है, इसको हम ग्रीस करेंगे। इसमें से हम कलर नाप कर डालेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, एक भगोना, इसमें हम चाशनी बनाएंगे। इसमें हम पानी डाल देते हैं एक गिलास, इसमें आधी चीनी डालेंगे, क्रीम चीज, ये मैंने दूध को फाड़ कर मिक्सी जार में इसको पीस कर ले लिया है। ये बाकी की चीनी इसमें कस्टर्ड में डालेंगे। ज्वारा रोट का कस्टर्ड हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं कुनाफा। अब हम दोनों गैस जला देते हैं। गैस को हमने जला दिया है दोनों। अब इसमें हम दूध डालेंगे। थोड़ा सा दूध हम बचाकर अरारोट को घोल लेंगे। अगर गर्म दूध में हम डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए इसको ठंडे दूध में ही घोल कर डालें। ये अच्छे से घुल गया है। दूध गर्म होने के बाद हम डालेंगे जो हमने सेवैयाँ लिए हैं, इसमें हम मिक्स करेंगे घी। इधर दूध का ध्यान देते जाएंगे वरना दूध बाहर हो जाएगा। गैस को हम थोड़ा धीमा कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथों से मिक्स करें। अच्छे से इसमें घी डालें, बाकी का घी भी डाल लेते हैं। हमने सारा घी डाल लिया है। मैंने देसी घी से डाला है इसमें सेवइयों में। देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, उबाल आ गया है दूध में। अब इसको हम चला देंगे। चाशनी हमारी पक चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। अरारोट को भी डाल देंगे, दूध खोल चुका है। अब इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा कस्टर्ड बना है। चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसको चलाते हुए 5 मिनट पकाएंगे। गैस को धीमा ही हमने रखा है, इसको पकने देते हैं। एक पिंच कलर लेंगे, सेवइयों में डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए कस्टर्ड हमारा पक चुका है। गैस को बंद कर देंगे। अभी ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा होगा, इसमें डालेंगे ये क्रीम। ये चीज क्रीम है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी इसमें हमको अच्छे से मिलाना है। बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। अब इसको हम छोड़ देंगे, ओवन को गर्म कर लेते हैं। केक टिन को हम ग्रीस कर लेते हैं देसी घी से। चारों तरफ हम ग्रीस करेंगे जो हमारा कुनाफा है अच्छे से निकल जाए। कुनाफा को डाल लेते हैं इसमें। सेवई को हम अच्छे से बिछा लेंगे इसमें। अच्छे से हमने सेवइयों को डाल लिया है। इसमें डालेंगे कस्टर्ड। अच्छे से कस्टर्ड फैलाना है। सारा कस्टर्ड डाल दिया है। बाकी की जो सेवई है इसको भी डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया कुनाफा बनने वाला है।
चलिए अब ये रखने के लिए तैयार हो गया है ओवन में। ओवन भी हमारा 5 मिनट गर्म हो चुका है। अब 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। थोड़ा सा हम इलायची फ्लेवर डाल देंगे चाशनी में। 10 बूंद हमने ले लिया है इलायची एसेंस। 20 मिनट हमने पकाया है और 5 मिनट के लिए गर्म होने दिया है, तो पूरा 25 मिनट हुआ है। चलिए बंद कर देते हैं। 2 बादाम, 2 काजू, 5 पिस्ता हमने काट लिया है कुनाफा को सजाने के लिए। ये थोड़े से मैंने रेमोस लिया है, इसको भी हम सजाने में यूज करेंगे। चलिए कुनाफा निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा कुनाफा बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये अच्छे से पलटने में निकल जाएगा। थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। कुनाफा हमारा हल्का ठंडा हो गया है, इसको पलट लेंगे। एक प्लेट लेंगे, ऐसे करके इसको पलट लेते हैं। कुनाफा हमारा बहुत ही बढ़िया पका है, देखिए जिसमें चाशनी अंदर तक चली गई थी। अब हम इसमें चाशनी डाल देते हैं। देखिए हमारा कुनाफा बनकर तैयार हो चुका है खाने के लिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आप भी कुनाफा बनाकर खाएं, खिलाएं। देखने के लिए धन्यवाद।